हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से, और एक बार फिर बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और बहुत सारे दिन हो गए यार, अब की बार शायद मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए, 95, 96, 97 डेज हो गए मैं कोई लेसन पोस्ट नहीं कर पाया। बस थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ काम नहीं कर पाया, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर, और कई लोगों ने पूछा कि सर क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रहे हैं, सब ठीक है? सो यस, ऑल गुड। और लीजिए एक बार फिर से अब हम लोग दोबारा से शुरू करेंगे, और वैसे ही वही सारे लेसन्स उसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें जो आप सीख सकें बढ़िया से, उन सब चीज़ों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर सकूँ और आप लोगों के लिए कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी साथ साथ ला सकूँ, ताकि आप लोग बेहतर बजा सकें, बेहतर प्रैक्टिस कर सकें, बेहतर सीख सकें। तो आज का लेसन दोस्तों एक फिंगर एक्सरसाइज, और ये फिंगर एक्सरसाइज डेफिनेटली आप सिर्फ अपने नेचुरल माइनर स्केल पे ही नहीं, आप माइनर स्केल पर, मेजर स्केल पर, आप जैसे चाहें पूरे एंटायर फ्रेट बोर्ड पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक एक्सरसाइज है, आप इसको ज़रूर करें। मैं ए माइनर स्केल पर बता रहा हूँ, और आप जहाँ चाहें इसको आप प्ले कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं क्लासेस के लिए, मुझे पूछ रहे हैं। पहली चीज़ तो कोई सवाल आपका रहता है तो टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं है प्लीज़। और बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी है क्लासेस को लेकर के, तो अभी दोस्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नया बैच जो होगा वो शायद जून मिड में शुरू होगा, क्योंकि अभी कोई भी डे, कोई भी टाइम ऐसा स्लॉट मेरे पास फ्री नहीं है। तो अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ग्रुप क्लास में अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इंडिविजुअल क्लास में अभी ले रहा हूँ। और अगर आप में से जो भी लोग मॉर्निंग सेशन सैटरडे संडे में, अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई लेट इवनिंग के बैचेस खाली नहीं है, सब फुल हैं बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग सेशन में आप चाहते हैं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे मॉर्निंग, तो मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेसन है, लाजवाब है। आप नोटबुक ले लीजिए और पेन उठा लीजिए, नोट करते चले जाइए, और फिर उसके बाद धीरे 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 इसको प्ले कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। फिंगर्स देखिएगा एकदम बढ़िया हो जाएंगे। सिर्फ करना क्या है, आपने जो फिंगर्स बता रहा हूँ उस फिंगर का इस्तेमाल करना है, यानी कि फिंगर अल्टर नहीं करने हैं। और दूसरी चीज, अपने डाउन अप को कंटिन्यू रखना है। माइनर स्केल के ऊपर थोड़ा सा बज आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी स्ट्रिंग 2 दिन हुए हैं सिर्फ चेंज किए हुए, तो अभी इसका टेंशन प्रॉपर लूज नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा सुनाई दे रहा होगा। चलिए, तो लेसन जो है उसमें आपके चारों फिंगर्स यूज हो रहे हैं, ऑल्टरनेटिव पिकिंग चल रही है, स्ट्रिंग्स चेंज हो रहे हैं। आइए देखते हैं क्या मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। ए माइनर स्केल पूरे का पूरा, ए नोट से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, 5th फ्रेट है, यानी कि अब आप नोट कर लें कि ए बी सी ये 3 नोट फर्स्ट स्ट्रिंग, ई एफ जी सेकेंड स्ट्रिंग, बी सी डी ये आपका 3rd स्ट्रिंग, और ये वाला ए 4th स्ट्रिंग। तो यहां तक पहले देखें, फिर उसके बाद 2nd ऑक्टेव में एंटर करेंगे। तो आप बजा रहे हैं ए बी सी बी ए, यहां तक आए, ऊपर जाइए जी एफ ई, वापस आइए एफ जी ए, ये पहले आपने करना है, इतना आपने बजाना है, बाद में सारा मिला देंगे हम, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए। कभी भी कोई बड़ी एक्सरसाइज होती है, स्पीड रन होता है, तो उसको ब्रेकआउट करके प्ले करना चाहिए, एकदम से उसको नहीं समझना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके जब प्ले करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आने लग जाएगा। तो ए बी सी बी ए जी एफ ई एफ जी ए जी एफ ई, यहां तक हम आए हैं, पर आइए डी फॉर डेली, सी और बी, यानी कि 3rd स्ट्रिंग के लिए, यहां तक आएंगे, वापस आइए सी डी ई, यहां तक आ जाइए, तो पूरा हो गया। अब यहां तक आ गए, यहां तक आ गए हैं, मिला लीजिए, वापस ऊपर आ जाइए ई के बाद, वापस ऊपर आइए डी सी बी ए तक आ जाइए, ये आपका 1 ऑक्टेव में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो अब जब हम लोग सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ना दोस्त, तो हम लोगों को भी बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कोई मतलब
पहले से ही रिकॉर्डेड है या पहले से ही चल रहा है सब कुछ दिमाग में। बस वो नोट्स हमें भी याद करने पड़ते हैं, साथ 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 बताने होते हैं, इसलिए बार 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 ब्रेक भी करना पड़ता है चीज़ों को और समझना भी पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। यहां तक हम आ गए थे तो ए नोट पे जब आप आए, अब इसके बैक सेकेंड ऑक्टेव में चल रहे हैं हम लोअर ऑक्टेव की तरफ, तो जी नोट पे जाएंगे, जी ए बी सी ऐसा करके, फिर बी ए जी और एफ, इस नोट तक आ जाएंगे। ये नोट हमने, एंड देन ई एफ जी ए, ई एफ जी ए, वापस आए जी एफ ई डी, ये फिफ्थ स्ट्रिंग है, सी डी ई एफ ई डी सी बी ए, यहां तक हम आ गए। तो ये कंटिन्यू पूरा स्केल हो गया, बहुत आराम से बजाइएगा। अब मैं एकदम स्लो मोशन में बजा के बता रहा हूं, आप आराम से बजा सकेंगे। देखा आप इसे नोट कर सकते हैं बहुत आराम से, पूरा ए माइनर स्केल है, अभी हाफ हुआ है ये, अभी आधा बाकी है, अभी इसको पूरा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग 5 7 8 7 5, ऊपर जाएं 8 6 5 सेकंड स्ट्रिंग के लिए, फिर वापस 6 8 सेकंड स्ट्रिंग, 5 फर्स्ट स्ट्रिंग, वापस 8 6 5 सेकंड स्ट्रिंग, 7 5 4 थर्ड स्ट्रिंग, 5 7 थर्ड स्ट्रिंग, 5 सेकेंड स्ट्रिंग, 7 5 4 थर्ड स्ट्रिंग, 7 फोर्थ स्ट्रिंग, 5 7 5 7 फोर्थ स्ट्रिंग, 4 5 थर्ड स्ट्रिंग बैकवर्ड, 4 थर्ड स्ट्रिंग, 7 5 फोर्थ स्ट्रिंग, 8 फिफ्थ स्ट्रिंग, 7 8 7 8 फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, 5 7 फोर्थ स्ट्रिंग, 5 फोर्थ स्ट्रिंग, 8 7 5 फिफ्थ स्ट्रिंग, 8 6 स्ट्रिंग, 7 5 6 स्ट्रिंग। मैंने आपको स्ट्रिंग नंबर फ्रेट नंबर बोल दिए हैं। फिंगर ध्यान रखिएगा, जो फिंगर प्ले कर रहा हूं वही फिंगर यूज करना है। 1 3 4 3 1 4 2 1 2 4 1 2 4 2 4 2 1 4 2 4 1 2 1 4 1, यहां एक चेंज है, 1 4 3 4 1 3 1 4 3 1 4 3 4 1 3 1 4 3 1। आगे चलेंगे यहीं से जब कंटिन्यू कर रहे हैं। इतना किया था, आगे जाएं, इसी से पूरा स्केल पूरा कर दें ए माइनर का नीचे तक, यहां तक आ जाइएगा सी नोट तक हायर, पूरा ए माइनर का स्केल सी पे एंड कीजिएगा। और यहां से ए माइनर के स्केल के वही नोट है, 5 7 8 5 7 8 सिक्स स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, 5 7 फोर्थ स्ट्रिंग, 4 5 7 थर्ड स्ट्रिंग, 5 6 8 सेकेंड स्ट्रिंग, 5 7 8 फर्स्ट स्ट्रिंग। और यहां से फिर वापस जाएं, यहां तक आपने प्ले किया, 7 5 8 6 5 7 5 4 5 7 5 6 8 5 7 8, पहले यहां तक करेंगे, पूरा मिला के लाइए, स्केल है, वापस जाएं, सी तक, जी तक गए थे, फिर वापस जाएं, 7 5
और उसके बाद में 8 7 8 6 5 सेकंड स्ट्रिंग यहां रोक के और फर्स्ट स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट यानी ए नोट, यहां इसको खत्म करें। तो पूरा जब आप इसको मिला के बजाएंगे, देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन आपने इसको कितना एक्सटेंड कर लिया है और कितना काम करने के लिए मिल रहा है। ये एक सेट आपने पूरा किया है, सोच के देखिए अगर आप 50 रिपीटेशन 25 रिपीटेशन 30 रिपीटेशन एक एक्सरसाइज पे करते होंगे तो आप मान के चलिए 3 मिनट आपको लगने चाहिए, 5 मिनट आपको लगने चाहिए, लेकिन आपके फिंगर्स जो है मसल्स मेमोरी कितनी बेहतरीन हो सकती है पूरा देखेंगे। या फिर आप इसको एंड करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे बजाना चाहते हैं, है ना। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया, तो ये एक एक्सरसाइज है। एक जगह पे मेरा फ्रेट पे थोड़ी सी काउंटिंग शायद मैंने कहीं मिस की है, तो आई एम सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने तो वहां पे गलत बता दिया, ये तो था नहीं वो तो था नहीं। तो देखिए मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसमें कोई कट नहीं लगाता हूं, जस्ट मैं सिर्फ कभी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो या बाहर कोई बोल रहा होता है तभी मैं अपने वीडियो को पॉज करता हूं, वरना मैं अपना वीडियो पॉज नहीं करता हूं और लाइव मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। तो हम भी इंसान है भाई, बोलते बोलते हो सकता है कोई फ्रेट गड़बड़ हो जाए, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब 2-3-4 बार बजा के इसीलिए दिखाया है ताकि आप उसे प्रॉपर लिख सके और प्रॉपर प्ले कर सके। अच्छा, अब आपने ये प्ले किया, इसी में आप चाहें तो और चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने ये बजाया, अब आपने एक बार पूरी सीक्वेंस, जब आप यहां नीचे आए आप ऐसा करके यहां रुके, अब दूसरी एक्सरसाइज देखिए, ये हो गया बोनस, यहीं पर हम इसको कुछ और ऐड कर दें तो आप बजाएं इसको, इसको ऐसा भी कर सकते थे। तो मैंने क्या किया है, इसमें वही नोट मेरे हैं, बस मैं यहां पर सी और बी और सी नोट से लेकर आ रहा हूं और एक एक नोट पीछे जा रहा हूं, मतलब 7 8 5 7, यानी कि आपको क्या करना है, ए माइनर स्केल को पीछे की तरफ लेकर के आते हुए जाना है, यानी कि ये बी नोट है हमारा, बी सी, फिर ए से शुरू कीजिए, एक नोट पीछे ए बी पे, जी ए एफ जी ई एफ डी ई सी डी बी सी ए बी जी ए एफ जी ई एफ डी ई सी डी बी सी ए बी सी डी एफ जी ए बी सी डी ए बी सी डी ए, खत्म कर दीजिए। बस एक टेक्निक यहां देखिएगा, जब आप बजाएं ये फिंगर जो मेरे चल रहे हैं 3 4, ठीक है, यहां तक ठीक है, सी डी, देन ये आपने यूज किया बी और सी नोट के लिए 1 2, एंड देन ए के लिए 4, बी के लिए 1, और यहां से आपको एक फिंगर चेंज करना पड़ेगा, ये लाइएगा, मतलब यहां से इसको जंप कराना है और तब ये आपकी जो पोजीशन बनेगी वो बिल्कुल ठीक जगह पर आ जाएगी। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज लगती है सुनने में, बात करने में, प्ले करते टाइम जब आप लिखेंगे और बजाना शुरू करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि 3 दिन में आपको इसकी पूरी पोजीशन बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी और फिर उसके बाद में प्लेइंग आपकी बहुत आसान होती चली जाएगी। शर्त क्या है कि फिंगर वही रखें जो आपको बताई है, ऑल्टरनेटिव पिकिंग यानी कि डाउन अप पोजिशन के अंदर ही बजाएं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन down up 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 down ये कंटिन्यू आपको करते चले जाना है। जब आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज जो है आपकी बहुत बेहतर बजेगी। और दोस्तों अगर ये लेसन समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अब आपको एक के बाद एक लेसन मिलते चले जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेसन के साथ में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।